मैडम आप फिर से यहाँ पे सिगरेट पी रही हैं। साफ साफ लिखा है कि यहाँ पे सिगरेट पीना मना है। हाँ तो क्या मैडम, आप यहाँ पे गंदगी करके चली जाओगी और सुनने को मुझे मिलेगा सर से। तो क्यों खाती है डैड, हमारे जाने के बाद साफ कर दिया कर। मैडम मुझे और भी बहुत काम होते हैं, खाली ये काम नहीं है मेरे पास। हाँ मुस्कान, ये सही तो कह रही है, इस पर भी मेहनत पड़ती होगी। ऐसा करते हैं हम बाहर चलकर पी लेते हैं। मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी, मैं यहीं पीऊंगी और जो भी गंदगी होगी ना वो तू ही साफ करेगी। अरे मैम ये क्या है, आपके बगल में डस्टबिन रखा है फिर भी आपने सिगरेट नीचे क्यों फेंकी। चल अब उठा, इसे डस्टबिन में डाल। मैडम मैं आपकी कंप्लेन सर से करूंगी। जा जाकर कंप्लेन कर दे, मैं यहाँ रोज आके यहीं पे सिगरेट पीऊंगी। सर ये कल वाले प्रोजेक्ट की फाइल। सुनो मुस्कान। यस सर। जब बोर्ड पे साफ साफ बाहर लिखा है स्मोकिंग करना और कूड़ा फैलाना सख्त मना है, तो तुम वहाँ कूड़ा क्यों फैलाते हो और स्मोकिंग क्यों करती हो। सॉरी सर, वो एक्चुअली मैंने सी दिस इज माय लास्ट वार्निंग फॉर यू, अगर आगे से ऐसी कंप्लेंट आई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यस सर। यू मैन लीव नाउ। सॉरी। ये क्या किया आपने, मेरा खाना क्यों फेंक दिया। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी कंप्लेंट करने की। हाँ कौन सी कंप्लेंट मैडम, मैंने आपकी कोई भी कंप्लेंट नहीं करी है। ज्यादा झूठ बोलेंगी ना, कोई भी जरूरत नहीं है। तू ही मुझे धमकी दे रही थी ना कल कि तू बॉस को जाकर बता देगी। रुक आज तेरे को मैं तेरी औकात बताती हूँ। ये क्या कर रही मैडम, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, मैंने कोई कंप्लेंट नहीं करी मैम। क्या कर दिया, बहुत गंदगी गंदगी करती है ना तू, अब कर गंदगी साफ। ले कर। मैडम ये क्या कर मैडम। और हाँ गंदगी से तुझे बहुत प्रॉब्लम है ना, आज ये सारी गंदगी तू ही साफ करेगी। और याद रखियो गंदगी साफ के बिना घर मत चली जाइयो, आई समझ में। घूर क्या रही है, साफ कर स्टूपिड। अरे मुस्कान तू यहाँ पर है, बॉस ने तुझे अभी बुलाया है। अभी? हाँ। अच्छा ठीक है मैं जाती हूँ। आपने बुलाया सर? हाँ मुस्कान बुलाया था। सर कुछ काम था? तुम्हारी घटिया हरकतों के लिए बुलाया था। सॉरी सर मैं कुछ समझी नहीं। ये देखो और ये वीडियो अरुण ने बनाई थी। सॉरी सर वो एक्चुअली गुस्सा था बस। गुस्से में तुम अपने के छोटे एम्प्लॉय को ह्यूमिलेट करते हो। तुमने उसका खाना फेंक दिया। तुम्हें पता है तुम्हारी इस हरकत की वजह से तुम्हें जेल भी हो सकती है। तुम्हें पता है मुस्कान खाने की बर्बादी और कूड़ा फेंकने के लिए कितने सख्त कानून है, और उनको मैंने कहा था वीडियो बनाने के लिए। और तुम्हें पता है बाहर तुम्हारा यूँ सिगरेट पीना और कूड़ा फैलाने के चक्कर में बाकी एम्प्लॉयज भी परेशान होने लगे थे और बिल्डिंग ओनर को कंप्लेंट करने लगे थे। और हाँ मुस्कान सफाई को मेंटेन रखना हमारी ही नहीं तुम्हारी भी जिम्मेदारी है। नहीं सर ऐसा कुछ भी नहीं है सर, नेक्स्ट टाइम से मैं ध्यान रखूंगी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अब ज़्यादा नाटक मत करो, पुलिस को कंप्लेंट ना करके मैं तुम्हारे ऊपर एहसान कर रहा हूँ। अब निकलो यहाँ से, और हाँ कल से इस ऑफिस में नजर मत आना। सर प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। आई सेड गेट लॉस्ट। आई एम सॉरी मुस्कान, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, जो तुमने अंजलि के साथ किया वो बहुत गलत था, इसलिए मैंने बॉस से जाकर तुम्हारी कंप्लेंट कर दी।